हिमाचल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के चुनावों में रोशन लाल सैनी उर्फ करम सिंह को 302 में से 193 मत पड़े हैं, जबकि उनके प्रतिद्वंदी को 108 मत पड़े। करम सिंह ने कहा कि बैंक की तरक्की के लिए वे दिन रात कार्यशील रहेंगे और जिला मंडी की 13 इकाइयों पर उनका ध्यान है और उनका एकमात्र उद्देश्य ये है कि बैंक के कर्मचारियों और बैंक से जुड़े लोगों का उत्थान करना। सर, इस खुशी के मौके बताएंगे, जीत के बाद आपका उद्देश्य क्या होगा और क्या हो गया कि कार्यप्रणाली? अगला कदम जो है सिटी कोऑपरेटिव सोसाइटी को मल्टीनेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना और इसको एक बैंक का दर्जा देना। दूसरा कदम मेरा, मैं तीसरी बार सिटी कोऑपरेटिव सोसाइटी का डायरेक्टर बनकर जा रहा हूँ, तो उसमें मैं इस चेयरमैन के पद के ऊपर पूरी कोशिश करूँगा कि वहाँ तक मैं पहुँचूँ और कामयाब होके इस संस्था को आगे ले जाऊँ। और इस संस्था के जितने भी वर्कर्स हैं उनके लिए क्या कहना होगा आपको? संस्था के वर्कर अगर मेरे साथ टीम बन के काम करेंगे तो जो उनको आज सैलरी मिल रही है, उनको जो भत्ते मिल रहे हैं, हो सकता है वो आने वाले 3 साल में डबल हो।